ये क्या हुआ है? किसने गिराई है? मेरी पूरी दौड़ गिरा दी है। लिख के क्या हूँ? क्या हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्नेहा सचदेवाना। आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो। सो अभी का सीन ये है कि अभी बज रहे हैं सुबह के 9:30 और आज है शादी वाला दिन। तो शादी वाले दिन जो भाई आज तो धमाका होने वाला है, फुल ऑन पूरा का पूरा। लेकिन अभी ना सब लोग लगे हुए अपने आउटफिट्स वगैरह सब कुछ रखने में, सारा सामान रखने में, ताकि शादी के लिए मेकअप के लिए हम टाइम से पहुंच जाए। क्योंकि आज जो है ना हमारे दूल्हे राजा को 12 बजे कैसे भी मंडप पे बैठना है। तो 12 बजे अगर मंडप पे बैठना है तो इसका मतलब हर चीज जल्दी करनी पड़ेगी, क्योंकि इतना ट्रैफिक और आज बहुत साया शादी का, तो बहुत कुछ होने वाला है वीडियो में। तो आगे वीडियो में बने रहो। तो अभी देखते हैं घर में सब लोग क्या कर रहे हैं। यहाँ पे मम्मी बैठी हैं और मम्मी क्यों रखे तबीयत खराब शादी वाले दिन? क्यों मम्मी? शादी में जब भी आती हूँ गला खराब हो जाता है। हमेशा हो जाता है आपका, हमेशा। और मम्मी का गला पूरा खराब हो चुका है। कोई बात नहीं, दवाई लो, अभी तो टाइम है तैयार शेयर होने में, हर चीज में टाइम है। अपना दवाई लोगे, रेस्ट करोगे, थोड़ी देर में ठीक हो जाओगे। ठीक है गाइस, यहाँ पे बैठी है रीमा बहन। तैयार कब होगी? नहाने जा। हाँ नहाने जा, जल्दी उठ ले, नहाने चली जा। मैं क्या पहन रही है? मैं तो अपनी वही साड़ी जो भाभी का दीदी से बनवाई है। मैं क्या पहनूं? ले, तूने डिसाइड ही नहीं किया? मैं ये लेके आई, ये पहन लूं? दिखा खोल के। सुंदर सा लहंगा दिखा, दिखा। ब्लू और उस कलर का, पिंक कलर का दिखा। और मैंने ये पहना भी नहीं, बहुत टाइम हो गया। भाई रीवा लेकर आई है एक नई आउटफिट। बहन तू कितनी आउटफिट लाई है, पहले तू मुझे ये गिनवा। एक मेरे साथ लेके आई है भाभी का दीदी से, कशिश का भी बोल रही थी शायद, कशिश वाला मम्मी पहनेगी शायद, तो इसलिए मेरा। तो तेरा कंफर्म कौन सा है? ये वाला। ये वाला? हाँ। देख लेते हैं गाइस। ओ माय गॉड, लहंगा है भाई, लहंगा मस्त था। और वो भी प्रॉपर कंट्रास्ट में, ये हॉट पिंक कलर विद नेवी ब्लू। तो भाई ये तो बहुत सुंदर लहंगा है, लटकन लुटकन भी है भाई। तो सही है, फाइनल है ये तेरा? ये बैठो, जल्दी से हो जा, नहा ले। 11 बजे से लेट हम मेकअप आर्टिस्ट पे नहीं हो सकते, पक्की बात है। तैयार होने जा रही है, नहाने जा आप जल्दी से और तैयार हो जल्दी से। इसको पैक कर दे। ठीक है, मैं इसको पैक कर रही हूँ, ये फाइनल है ना? मेरी वाली पहनूंगी। ठीक है, ज्वेलरी मेरी पहन लियो। तो अभी जो है वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ अपना, कशिश का, सबका आउटफिट। तो जल्दी से नहा ले यार, अब एहसान कर दे जल्दी से मेरे पे। जा रही नाने, अपने कपड़े तो दिखा, क्या पहन रही है? छुपा के रखे हुए हैं। कल गई नहीं थी भाभी के दीदी के पास, क्या बातें कर रही है? सब पता है तुझे? कलर कैसे है? कलर तैयार ही नहीं है मेरे को। ओ, एक दिन में भूल गई बुलक्कड़। और मेरे को यार इस विदेश के साथ की मैचिंग। चल रुक, लेके आती हूँ सब कुछ। मेरा गाइस मेरा आउटफिट और ये रहा पूरा ज्वेलरी का डब्बा। तू देख ले तुझे कौन सी ज्वेलरी चाहिए और जल्दी नहाने चली जा। ये चल जाएगी क्या? ये वाली चल जाएगी इसके साथ? ये वाली हाँ शायद चल जाएगी मेरे अकॉर्डिंग। गोल्डन है ना? हाँ चल जाएगी। ये पहन लूंगी या तो ये पहन लूंगी, मल्टी वाली। ठीक है, देख लियो जैसे पहननी है। अब नहा ले बहन, नहा ले। ये आउटफिट ये पूरा मत निकाल। हाँ तूने देखा तो है। ठीक है क्या? तो गाइस आप लोग सुन लो मेरी बात बहुत ध्यान से। मैंने आप लोगों को बोला था मैं करने वाली हूँ चैलेंजेस, 30 चैलेंजेस मैं करने वाली हूँ। सो फर्स्ट चैलेंज मेरा आज से ही शुरू है, तो इसीलिए मैंने इतनी सुबह सुबह सबको जगा के ना व्लॉग शुरू कर दिया। क्योंकि मैं आप लोगों को बता दूं, स्ट्रैटेजी ये है, आप लोगों का फर्स्ट चैलेंज था मेरे को शादी पे जो आप लोगों ने दिया था कि रीमा की शादी के आउटफिट कर दो पूरी खराब। तो मैंने तो सोच लिया जो रीमा पहनने वाली है, जो भी उसने बताया भी था व्लॉग में कि मैं ये पहनने वाली हूँ, मैं उस आउटफिट को पूरा स्पॉइल कर दूंगी पूरा, ताकि वो उसको पहन ही ना सके, जैसा कि आपने चैलेंज में बोला था। लेकिन मुझे नहीं पता उसका रिएक्शन क्या होने वाला है, और मैं बहुत डरी पड़ी हूँ क्योंकि वो बहुत खतरनाक है गुस्से में। भाई गुस्से में जो वो उसका रूप देखोगे ना, आप चंडी माता बन जाती है वो, चंडी माता। बट जो भी होगा मेरे को बहुत डर लग रहा है। लेकिन आ जाओ देखते हैं उसका आउटफिट कैसे खराब कर सकते हैं, क्योंकि वो डार्क कलर है, तो आई वांट कि उसको वो दिखे कैसे खराब हुआ है। तो किचन से कोई सामान लाके लाते हैं जिससे वो खराब हो जाए। तो मुझे ना ये दो चीजें समझ में आ रही हैं, लेकिन आई थिंक रेड कलर ज्यादा अच्छे से दिखेगा, हाईलाइट होगा। तो हम रेड कलर का पेस्ट ले लेते हैं, और क्या करूँ, जूस गिरा दूँ हल्का सा, जूस गिरा देती हूँ। जूस के निशान भी इतनी जल्दी जाते हैं और ना इसके जाते हैं, तो मेरे को तो बहुत गंदे वाला डर लग रहा है, गंदे। तो ये सामान मैंने ले लिया, अब चलते हैं चुपचाप, जब तक वो नहा रही है तब तक उसकी आउटफिट खराब करते हैं। आउटफिट ये नहीं, अंदर ना रही है, चुपचाप करना पड़ेगा। अपनी छाप छोड़ के जाऊंगी। तो गाइस हर गैंग का ना एक सिंबल होता है, और मेरी गैंग का सिंबल देखो क्या है, ये
मैंने तो पूरा स्पॉइल कर दिया, हर चीज़ें जूस वूस और सब डाल दिया। अगर ये मेरा आखिरी व्लॉग हुआ तो आप जिम्मेदार होंगे इसके। अभी मैं जाती हूँ, चुपचाप छुप जाती हूँ कहीं पे जाके। तो गाइस अभी एक कैमरा जो है वो मैं कॉर्नर पे सेट करके निकल रही हूँ, यहाँ से आवाज़ आ रही है वो आने वाली है। मैं जल्दी से कैमरा सेट करती हूँ और अपना दूसरे फ़ोन से लेकर के आऊँगी जब ये मुझे बुलाएगी, अगर बाई चांस कुछ हुआ तो। सुन तो ले, एक मेरी बात सुन, देख रोना बंद कर। अभी नए कपड़े ला दूंगी।
बच्चों की तरह रोए दिया। सुन ना, सुन मेरी बात, रोए जा रही है। अच्छा मेरी बात सुन, मैं फाइनल फाइनल देखो नए कपड़े दिला दूंगी, आज कुछ भी पहन ले बस। चल ठीक है मेरे पहन लियो। एक बात तो सुनती जा, सुन तो ले मेरी बात सुन। मुझे ना लोगों ने सब्सक्राइबर्स ने चैलेंज दिया था कि रीमा की शादी के कपड़े खराब कर दो, तो तुम मेरे 10,000 के कपड़े खराब करेगी। 10,000 के थे? हाँ, ये 10,000 के थे और क्या, मैंने कैमरा लगाया था, ये 10,000 रुपए का था, साफ भी नहीं होगा। जो मैंने भी लगा दी तुमने देख, इतना आजा आजा कैमरे के पास, क्या बता दो सही, कैमरा है मम्मी, आप भी क्या क्या कर रहे हैं, क्या करूं क्या, आप देखा तेरा फोन तोड़ दूंगी वहां पे जो कैमरा लगा हुआ है, मेरे मजाक के लिए मैं 10,000 का लहंगा खराब कर दिया तूने। बस कर यार, दर्द हो गया कान में, आप सब चाहते थे और देख लो मैंने चप्पलें तक खाई हैं आपके लिए। मेरे कपड़े मेरे को नहीं पता लाके दे, मैं कौन सी लाके दूँ, मुझे नहीं पता कहीं से लाके दे, तू लाके लाती है, आप तो ना मेरे पे चढ़ के पहने के ड्रेस इसको लाके, मैं अपने को दूँ अपने ऐसे ना, कोई शादी में तू भी नहीं रहेगा। क्या क्या तो गाइस इसका रिएक्शन तो आपने देख लिया, मेरा कर दिया इसने दिमाग खराब और मेरे इतनी जोर की मारा, मेरे पूरे लाल निशान पड़ गए यहाँ पे। तो यार अब तू जल्दी तैयार हो जा, कुछ और पहन ले, तो शादी में जाएगी अब। आप गाइस मुझसे यही चाहते थे ना, देख लो, और मेरे को पता था यही होगा, 101% पता था, और मैंने इतनी मार खाई है ना, ये पूरा हाथ मेरा सूज गया, इतना ज्यादा दर्द कर रहा है, इतना ज्यादा, ये देखो पूरा का पूरा रोने बैठ गई है। ये देखो क्यों रो रही है तू, अब रोने बैठ गई, कपड़े हो रहे यार, मैं क्या करूं, तो ड्रेस उसको पसंद आई थी लेके आई। सुन अभी कुछ ना कुछ जुगाड़ कर दे ड्रेस का, प्लीज चल जाती मैं।